कोरोना काल में संक्रमण के डर ने जो माहौल बनाया है, लेकिन इसी कड़ी में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से दो ऐसे विकलांग बच्चे अंशुल और अंकुर की दोस्ती दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें नियति ने जीवन भर के लिए दर्द तो दिए ही हैं, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के इस दौर में और भी परेशान कर दिया है। दोनों बच्चे जन्म से ही हीमोफीलिया नामक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वहीं उनके माँ बाप कोरोना के कारण जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। स्थिति यह है कि कोरोना के भय से उनके आसपास भी कोई नहीं जा रहा है, जिस कारण ये दोनों बच्चे बेसहारा जैसी हालत में छूट गए हैं। आप बताइए, ये बीमारी कब से आपको क्या प्रॉब्लम है? जब बचपन में थे हम, तब 6 महीने के हुए ना, तब से ही। और पापा ड्राइविंग करते हैं, इसलिए पहले तक पता नहीं चला इस बीमारी का। जब मैं 4 साल का हुआ तब चला, इसलिए पहले मैं जॉइंट में चला। भाई को भी दिक्कत है? हाँ, इसको तो जब ये पैदा हुआ था ना, तब चला था मेरी बीमारी का पता, तब इसको भी दिक्कत है। तो इसका इलाज करवाएगा? इलाज नहीं, इसका नहीं है, नहीं जैनिक ही गए। अच्छा, और मम्मी पापा कहाँ हैं अभी? अभी कोविड सेंटर में कोटेश्वर। अच्छा, उन लोगों को कोरोना हुआ? तो आप लोगों की देख रेख कैसे हो रही है, खाना वगैरह? जो वार्ड में मसूरी अंकल वो लेके आए। अच्छा, तो आज गए, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? उनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी मम्मी को। अच्छा। पापा को फिर बुखार आया, तो पापा फिर कल चले गए। अच्छा, तो पापा का नाम क्या है आपका? संतोष चंद्र भाई। और मम्मी का? रोशनी देवी। अच्छा, तो अभी कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 10th में हूँ, मेरा भाई 6th में। ये दरअसल में हमारे पड़ोसी हैं यहाँ पे संतोष भाई जी, और उनका परिवार ही यहाँ पे रह रहा है, और ये मूल का वैसे पोखरी से है, और सिर्फ इन बच्चों की इस बीमारी के कारण, क्योंकि वहाँ से स्कूल इनका बहुत दूर है, तो उस कारण उन्होंने यहाँ पे इन बच्चों की वजह से यहाँ पे एडमिशन बच्चों का करवा रखा, क्योंकि बच्चों को चलने में बहुत दिक्कत होती है, और जो इंजेक्शन वगैरह है उसके लिए भी देहरादून, पहले देहरादून, अब तो खैर यहाँ पे अवेलेबल रहे हैं, पर पहले देहरादून जाना पड़ता था, और शायद में जहाँ तक मुझे ज्ञात है तो शायद में दोनों बच्चों के 12 से 15 हज़ार के बीच में ऐसा खर्चा आता था इंजेक्शनों का। दरअसल मूल रूप से चमोली जनपद के पोखरी निवासी संतोष भट्ट ट्रक चालक हैं। ना इलाज हीमोफीलिया बीमारी से ग्रस्त अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने रुद्रप्रयाग में किराए पर कमरा लिया है, लेकिन कुछ दिनों पूर्व ही संतोष भट्ट की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई थी। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें रुद्रप्रयाग के कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके कुछ दिन बाद उनकी पत्नी रोशनी देवी भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्हें भी शंकराचार्य अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां दोनों पति पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इन दोनों बच्चों को हीमोफीलिया यानी पैतृक रक्त स्राव की बीमारी है, और माता पिता के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण दोनों विकलांग बच्चे बेसहारा हो गए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना के भय से उनके पास जाने से भी लोग कतरा रहे हैं। ऐसे में दोनों बच्चों के सामने न केवल खाने का संकट आ गया है, बल्कि भविष्य भी अंधकारमय नजर आ रहा है। देखिए, जन अधिकार मंच के संज्ञान में एक मामला आया था कि दो बच्चे जिन्हें हीमोफीलिया नामक बीमारी यानी पैतृक रक्तस्राव की बीमारी बचपन से ही है, उनके घर पर हम अभी गए थे। दोनों बच्चों की स्थिति वाकई में बहुत ही ख़राब है, विकलांग दोनों बच्चे हैं। इन पर करीब महीने में 15 से 20 हज़ार के बीच दवाइयों पर और इंजेक्शन पर खर्च आ रहा है, जिसका वहन करने में इनके परिजन सक्षम नहीं है। इनके माता पिता कोविड पॉजिटिव होने के चलते कोविड सेंटर रुद्रप्रयाग में भर्ती हैं, जहां वो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं लगातार। जो हमें खबरें मिली हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है। तो इस तरह से स्थिति इस परिवार पर बनी हुई है, बहुत ही संकट इस समय इस परिवार पर छाया हुआ है। तो मैं तमाम जो समाज सेवी हैं, इसके अलावा सरकार हमारी, उनसे मदद की गुहार लगाना चाहते हैं कि जो ये दोनों बच्चे हैं, इनके इलाज पर जितना भी खर्चा आता है वो सरकार वहन करे, इनके पढ़ाई पर जितना भी खर्चा आता है स्वयंसेवी संस्थाएं या हमारी सरकारें इसके लिए आगे आएं। आपको बता दें कि अंशुल 10वीं और अंकुर 6वीं कक्षा में पढ़ रहा है। इन दोनों बच्चों को इनके माँ बाप गोद में बिठाकर ही इधर उधर ले जाते हैं। कई बार बच्चों को रात में असहनीय दर्द होता है। जब तक माँ बाप साथ थे तो वो उनको दवाई देते थे, लेकिन अब कोई भी साथ नहीं है। इनकी दवाई और इंजेक्शन पर हर माह करीब 20,000 का खर्चा आता है। आज स्थिति यह है कि ट्रक चालक पिता के पास कमरा का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे संकट काल में इन अबोध बच्चों को जरूरत है सरकारों और समाज के सहारे की, ताकि राज्य और समाज मिलकर इन बेसहारा बच्चों को राहत दे सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से
भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।